नमस्कार, आप देख रहे हैं आज 7 लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, किसान बिल व महंगाई को लेकर जहां पूरे प्रदेश में कांग्रेस सड़कों पर उतरकर हल्ला बोल रही है, वहीं सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में भी कांग्रेसियों ने सड़कों पर उतरकर जमकर हल्ला बोला और कांग्रेस कार्यालय तिलक भवन से शहीद चौक तक पैदल मार्च निकाला। कांग्रेसियों की माने तो लगातार महंगाई चरम पर पहुंच रही है, वहीं किसान विरोधी बिल को लेकर लगातार किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। सरकार ने सबका साथ सबका विकास का दावा किया था और विकास अंबानी व अडानी का हुआ है, गरीब और भी गरीब होता चला जा रहा है। किसानों की सुधी लेने वाला कोई नहीं है। पेट्रोल डीजल व गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। इन सब मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी हल्ला बोलकर अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है। आइए देखते हैं रायबरेली से मोहम्मद अफजल की ये रिपोर्ट। परिचय बता दें। आशीष द्विवेदी, शहर महासचिव, कांग्रेस कमेटी रायबरेली। आज आप लोगों का क्या कार्यक्रम चल रहा है? आज संपूर्ण प्रदेश के आह्वान पर, प्रदेश संगठन के आह्वान पर संपूर्ण प्रदेश में जय जवान जय किसान यात्रा के नाम से किसानों के समर्थन में आज एक पद यात्रा की जा रही है, जिसके तत्पश्चात हम लोग सरकार से यह आवाज़ उठा रहे हैं कि किसानों के कृषि कानून जो लागू किए गए हैं वो तीनों वापस लिए जाएं। अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाएंगी तो आप लोग क्या करेंगे? हमारा प्रदर्शन इसी प्रकार किसानों के समर्थन में तब तक जारी रहेगा जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते। अपना परिचय बता दें। मैं महिला जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी रायबरेली शैलजा सिंह रोके। मैडम, आज क्या कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं? किसान जय जवान के उसमें हम लोगों ने जो किसान के काले कानून तीन बनाए हैं जो मोदी सरकार ने, उसी में पदयात्रा निकाली है जो शहीद चौक का है, तिलक भवन से होकर शहीद चौक तक जाएगी। तो आप लोगों की क्या मांग है सरकार से? ये तीनों काले कानून वापस दे। किसान अन्नदाता है, किसान परेशान है। अगर ये काले कानून वापस नहीं लेंगे तो इसके विरोध में बराबर हम लोग संघर्ष जारी रखें। नेता राष्ट्रीय गांधी प्रियंका गांधी, राष्ट्रीय महासचिव भी बराबर संघर्ष कर, पूरी कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही, क्योंकि किसानों के हित की बात है। किसानों के इतने किसान हमारे शहीद हो गए, इसलिए हम संघर्ष जारी रखेंगे। सरकार तो कहती है कि चुनावी रोटियां सेक रही है कांग्रेस। ये सरकार तो विपक्ष की और क्या कहेगी, क्योंकि मोदी जी के साथ पास सिर्फ बातें ही बातें हैं, क्योंकि वो अपने को सही साबित नहीं कर पा रहे हैं। किसान आत्महत्या करें, संघर्ष जारी, उनके पूरे देश में त्राही त्राही मची है।